दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील में मैं सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और कार्तिक पूर्णिमा की सभी को, समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज का मेरा विषय है मुगल शासकों में अकबर के समय की पावरफुल महिलाएं। अकबर के, मेरा तात्पर्य है कि अकबर की पावरफुल बेगमें, अकबर की जो पावरफुल पत्नियां थी, बेगमें थी, उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अकबर, जैसा आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का शहंशाह था और वह हुमायूं का बेटा था, तीसरा बादशाह था मुगल काल का। और उसका जो विवाह, जो सबसे पहले जो उसका विवाह हुआ, उसका सबसे पहला विवाह जो था वो रुकैया बेगम के साथ हुआ। रुकैया बेगम उसकी चचेरी बहन थी, अकबर के चाचा हिंदाल की बेटी थी, मतलब हुमायूं का जो छोटा भाई हिंदाल था, मिर्जा हिंदाल, उसकी बेटी थी रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम का जो वर्चस्व था वो 1557 से लेकर 1605 तक, जब तक अकबर की मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसका परचम फहराता रहा। उसने बहुत से राजनीतिक फैसलों में अकबर का साथ दिया और अहम मुद्दों पर अकबर उससे बात करता था। उसकी जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी जो बेगम थी, उसका नाम था सलीमा सुल्तान बेगम। ये सलीमा बेगम कौन थी? सलीमा बेगम जो थी वो तैमूरी वंश की थी, तैमूरी वंश की थी, और इसके पिताजी का नाम था नूरुद्दीन। पहले इसका विवाह जो था वो बैरम खां के साथ किया गया था। बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर जो है वो सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है, और इसकी जो मृत्यु, जो इसका जो जन्म है वो भी 1542 के आसपास होता है। रुकैया बेगम का जो जन्म है वो 23 फरवरी 1539 को होता है, और रुकैया बेगम का जन्म जो है वो 1542 में होता है। इसके बाद जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो शादी जो उसने निकाह किया, उस निकाह को राजनीतिक विवाह मानते हैं, क्योंकि जो वो विवाह था वो राजस्थान राजपूत, जो राजपूत थे, राजपूताना था, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उसने यह विवाह किया। यह विवाह था भारमल की पुत्री, जो आमेर के राजा थे, जोधाबाई, जिसको हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जिसको हम हीराबाई के नाम से जानते हैं, जिसको मरियम की उपाधि अकबर ने दी थी, जिसको हम हरकाबाई के नाम से जानते हैं, ये वह विवाह था। पहली दो शादी, जो पहले दो निकाह अकबर ने किए थे, सलीमा बेगम और रुकैया बेगम, इनसे अकबर को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। जोधाबाई से शादी के उपरांत उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और ये जो जोधाबाई थी, ये एक, मैंने बताया, ये विवाह जो था वो एक राजनीतिक विवाह था। और इस विवाह का कारण था कि अकबर जानता है था कि यदि हिंदुस्तान पर अपना मुकम्मल शासन करना है, हिंदुस्तान में बादशाहत कायम रखनी है, तो उसको राजपूतों के साथ संबंध, दोस्ताना संबंध बनाने पड़ेंगे। इसलिए उसने यह विवाह जो था ये राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारमल की बेटी थी, आमेर के राजा थे, जो हरकाबाई थी, जिसको जोधाबाई की उपाधि दी गई थी। दोस्तों ये थी अकबर और अकबर की बेगमों के संदर्भ में मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।